नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले खास खबरों से, फिर बात करेंगे हरियाणा की ताजा और बड़ी खबरों की। यूपी के हरदोई में हुआ बड़ा भीषण हादसा, डीसीएम और ऑटो की टक्कर में 10 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव किया पास। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। शिमला की संजोली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में आज जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। आपको बता दें, ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने संजोली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले पर स्टे की मांग की थी। केरल उपचुनाव से पहले पुलिस ने महिला कांग्रेस नेताओं के कमरों में की छापेमारी। बात करें शेयर बाजार की तो सोने में 460 रुपए की गिरावट, 78,106 रुपए पर आई कीमत। तो वही चांदी 2,268 रुपए तक गिरी। इस साल चांदी 28% और सोना 24% हुआ महंगा। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में डिपो राशन में राशन ना मिलने से परेशान होने वाले लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। दरअसल सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे डिपो पर होने वाली चोरी और राशन ना मिलने वाली शिकायतों पर काफ़ी हद तक कमी आएगी। इन सीसीटीवी कैमरों को सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित की गई। आपको ये भी बता दें कि बैठक की अध्यक्षता राज्य मंत्री राजेश नागर ने की। मंत्री ने राशन डिपो पर खाद्य सामग्री के समय पर वितरण करने के लिए निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि पूरे महीने राशन की दुकानें समय से खुलेंगी। अगर किसी की शिकायत आती है और राशन डिपो कोई नहीं खोल रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मंत्री राजेश नागर ने मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आम लोगों को किसी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सर्दियों में सुबह 8 से 12 बजे और शाम 5 से 8 बजे के दौरान राशन डिपो खुले मिलेंगे। डिपो पर पूरा राशन भी मिलेगा। चुनाव में पराजय के बाद अंतर्विरोधी की स्थिति का सामना कर रही कांग्रेस के असंग से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी एक बार फिर अपनी पार्टी के लिए एकजुट पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस बार उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान पर भी निशाना साधा है। बताते चले कि उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद होते हुए कोई काम नहीं किया तो अब उससे क्या उम्मीद जताई जा सकती है। मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी मुझको मौका देती है तो पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूं। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि बापू बेटा ने कांग्रेस को डुबोने का काम किया है। प्रदेश के प्रभारी ने कांग्रेस के लिए काम नहीं बल्कि भाजपा के लिए ज्यादा काम किया है, जो प्रदेश में चुनाव के दौरान केवल वन वे ट्रैफिक चला रहे थे। हरियाणा सरकार ने अब कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों और उनके परिजनों को आयुष्मान योजना का फायदा देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसके लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। दरअसल कर्मी अपना कार्ड बनवा सकते हैं, इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी लेकिन शुरुआत अब कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि कार्ड बनवाने के लिए डेटा पोर्टल का अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा में 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की आय 1,80,000 से अधिक है। चिरायु योजना 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के लिए थी लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा को बढ़ाते हुए कौशल रोजगार के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया है। पात्र कर्मचारी ऑनलाइन या नजदीकी अटल सेवा केंद्रों से अपना और अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवा सकते हैं। हरियाणा में राजनीति की पहुंच की अकड़ दिखाकर अपने सीनियर वे धौंस जमाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा निजी हितों के लिए अपने सीनियर वे राजनीतिक दबाव बनाने की ढेरों शिकायतें निदेशालय पहुंची हैं। इस पर एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक ने ऐसे लोगों पर हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से इन संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। दरअसल लिखित आदेशों के मुताबिक अक्सर देखने में आया है कि अधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़े मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों पर राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ये थी दिनभर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।